हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्धर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे HIV पेशेंट में वैक्सीनेशन देना चाहिए कि नहीं। तो चलिए देखते हैं वैक्सीनेशन क्यों देते हैं HIV पेशेंट में। तो HIV पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो कम रहती है। मैंने हर एक वीडियोस में आपको बोला है कि जब भी HIV के सेल्स का अटैक होता है तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस ये इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करते हैं और अपनी इम्यून सिस्टम कम करते हैं। तो अगर आप वैक्सीन लेंगे वो अलग अलग वैक्सीनेशंस है मौजूद, अगर वो आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपको आगे जाके वो रोग नहीं होते। व्यूअर्स फ्रेंड्स, ये आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आज सब कौन से वैक्सीन अपने HIV पेशेंट्स में देने चाहिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो पहला हम देखते हैं कि हर्पीस जॉस्टर। बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा था कि हर्पीस सिंप्लेक्स का आया है क्या। तो हर्पीस सिंप्लेक्स का अभी तक इतना इलाज नहीं आया है वैक्सीन, लेकिन हर्पीस जॉस्टर का आया है। तो हर्पीस जॉस्टर का जो वैक्सीन है वो अपने इंडिया में 50 साल के बाद ऊपर के लोगों को दिया जाता है, लेकिन विदेश में वो 18 साल के बाद भी दिया जाता है। अपने हर्पीस जॉस्टर को नागिन बोलते हैं, सिंगल्स बोलते हैं। तो इसमें से दो डोज दिए जाते हैं और वो पहला डोज अगर आज दिया तो 2 से 6 महीने के बीच में दूसरा डोज देते हैं। तो हर्पीस जॉस्टर से आपको जो इन्फेक्शंस होता है वो नहीं होगा और उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अभी दूसरा जो वैक्सीन है वो HPV वैक्सीन है, यानी वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है। अभी ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है, तो वो कैंसर देता है लेडीज़ में। जो एडोलेसेंट गर्ल है, एडोलेसेंट मीन्स 9 से ऊपर जो यह है पौगंडावस्था में आती है, जो जिनको पीरियड्स चालू होते हैं वो गर्ल्स या बॉयज, उनको ये HPV वैक्सीन दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आगे भविष्य में उनको कैंसर के चांसेस नहीं रहते। अभी कैंसर के चांसेस में एनल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, माउथ के कैंसर होते हैं। तो ये जो सब कैंसर्स है और वो जो HIV पेशेंट में भी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो नहीं होने के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। और ये क्या करता है कि इसके इसमें दो प्रकार के वैक्सीन होते हैं। एक क्वाड्री यानी 4 सीरोटाइप्स उसमें होते हैं, एक में 9 सीरोटाइप्स होते हैं। और ये हर बड़े लोगों को देना चाहिए और HPV पे ये दो डोजेस होते हैं। तो एक पहला डोज और दूसरा डोज जो होता है वो दे डालते हैं उनको 8 वीक्स के गैप में। और वो HPV के 3 डोज भी होते हैं, तो उसमें पेशेंट को वो डोसेस का शेड्यूल, जो पहला डोज है और सेकंड डोज जो है, दो उनके शेड्यूल्स है। पहला डोज अगर आज लिया तो 6 से 12 महीने में दूसरा डोज लेना है। और 3 डोज का जो शेड्यूल है उसमें 0, 2 महीना और 6 महीना ऐसा उनका शेड्यूल है। तो अगर ये शेड्यूल से वो बराबर लेते हैं तो आपको HPV मीन्स जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो उसका वार्ड्स भी होता है, कैंसर भी वो प्रिवेंट करते हैं। तो ये दो HIV पेशेंट को तो इम्पोर्टेंट है ही। और तीसरा जो वैक्सीन्स है वो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। वो ए वैक्सीन्स क्या करता है हेपेटाइटिस, वो लीवर का हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जो होता है ना उसको प्रिवेंट करता है, मीन्स होने नहीं देता अगर आपने वो लिया तो। तो उसमें
जो हिपेटाइटिस ए वैक्सीन है उसमें दो डोज रहते हैं। पहला डोज अगर आपने आज लिया तो उसको जीरो डोज बोलते हैं, और दूसरा डोज 6 से 12 महीने में लेना पड़ता है, और बूस्टर हिपेटाइटिस इसका हर 5 साल में लेना पड़ता है। और अगर आप लेंगे तो अच्छा, वो उनके जो हिपेटाइटिस ए के जो शेड्यूल्स है वो अलग अलग है। अभी हम हिपेटाइटिस बी वैक्सीन देखेंगे। हिपेटाइटिस बी वैक्सीन भी कॉमन है हिपेटाइटिस बी, तो ये भी हिपेटाइटिस ए एंड हिपेटाइटिस बी वैक्सीन ये HIV पेशेंट में लेने चाहिए, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इसके हिपेटाइटिस बी के 3 डोजेस है, और गवर्नमेंट में वो 3 डोजेस देते हैं, और अगर प्राइवेट में लेते हैं तो उनके अलग अलग ट्रीटमेंट्स है जो बोलते हैं ना, तो एनर्जीज बी है, रिकम्बीज है, हर एक कंपनी के अलग अलग है, हर एक कंपनी के प्राइजेस भी अलग है। तो ये पहला जो डोज है, पहला जो डोज है वो 0, 1 और 6, ये 3 डोजेस देते हैं प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में 2 डोजेस देते हैं। एक पहला डोज देते हैं 0 और 1, 1 महीने के बाद देते हैं, ये गवर्नमेंट में हुआ। और प्राइवेट में 3 डोजेस देते हैं। 0 डोज माने आज अगर लिया तो 1 महीने के बाद दूसरा और 6 महीने के बाद तीसरा। ये ऐसे हिपेटाइटिस बी के वैक्सीन के डोज। यानी ये हिपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या करता है, तो हिपेटाइटिस बी अगर आप लेते हैं तो आपको जो होने वाले फैटी लीवर्स है, लीवर डैमेज है, हिपेटाइटिस सेल्यूलर फेल्यूर है, मीन्स लीवर फेल्यूर है, ये नहीं होता है। तो ये जो जो बाकी के जो डोसेस है वो 4 डोसेस में भी पेंटावेलेंट में भी देते हैं। अभी हिपेटाइटिस बी इतना कॉमन है तो अपने जो इंडिया के जो WHO का शेड्यूल भी जब बच्चों को इम्यूनाइजेशन करते हैं ना तो उसमें हिपेटाइटिस दिया जाता है डोज, और वो पेंटावेलेंट जो उनका इंजेक्शंस होता है उसमें वो ऐड किया जाता है, और एट बर्थ उनको दिया जाता है। तो ये हिपेटाइटिस, अभी उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लू का, फ्लू जो इन्फ्लुएंजा जो होता है, अभी अपने 2020 में कोविड आया तो कोविड भी एक फ्लू जैसा ही है, सार्स आया था वो भी एक फ्लू जैसा ही है। तो अगर आप फ्लू का भी लेते हैं तो वो हर साल लेना पड़ेगा आपको, और कभी लेने का है, रेनी सीजन में उसका ज़्यादा ये होता है फ्लू के वायरस का। और वो उसमें इसके पहले ये जो जब वैक्सीन लेते हैं ना वैक्सीन, तो वो वैक्सीन लेने के पहले पहले उनको उन्होंने लिया है क्या वो हिस्ट्री पूछना चाहिए, फिर उनको हुआ है क्या वो डिजीज़ वो पूछना चाहिए। तो वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो फ्लू जैसा जो है कोविड COVID-19, अभी कोविड के भी हज़ारों स्ट्रेन्स आए हैं, तो आपको राहत मिलेगी। और वो अगर हुआ भी तो भी उसकी जो मात्रा है ना वो कम रहती है। अभी बच्चों में BCG जैसे देते हैं ना, तो BCG देने से TB थोड़ी आगे जाके होता है, लेकिन वो TB होने का जो उनका प्रमाण है कम होता है, और इन्फेक्शन रेट जो बोलते हैं ना तो ज़्यादा नहीं होता है, और दुष्परिणाम कम होते हैं। तो वैक्सीन का तो यही फायदा है। तो ये इन्फ्लुएंजा का वायरस रेनी सीजन में अगर आप लेंगे तो आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, और सिर्फ एक ही लेने का है साल में, लेकिन हर साल लेंगे तो अच्छा होता है। अभी उसके बाद आता है मेनिंगोकोकल वैक्सीन। वो मेनिंगोकोकल वैक्सीन का क्या है, उसके अलग अलग सब टाइप्स है, ए है, सी है, वाई है, W135 भी है। अगर आप किसी क्राउड भरी एरिया में जा रहे हैं, मीन्स किधर, अगर आप जो बोलते हैं ना, अभी हम महाराष्ट्र में है तो आप पंढरपुर यारवी में जाते हैं, अगर आप यात्रा में जाते हैं, अगर आप हज में जाते हैं, जहाँ बहुत सारे पब्लिक रहते हैं, तो आपको ये मेनिंगोकोकल का वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें शेड्यूल्स कैसा है, ये 2 डोजेस का एक शेड्यूल है, तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज
होता है। तो फर्स्ट डोज अगर आज लिया उसका जीरो डोज बोलते हैं, और 8 वीक्स के बाद में सेकेंड डोज लेने का है। और उसका बूस्टर जो है ना मेनिंगोकोकल का, वो every 5 years मीन्स हर एक 5 साल में आप रिपीट करिए। और सो सेकेंड डोज का शेड्यूल एक ऐसा है कि आप एक एक महीने के अंतर में आप ले सकते हैं ऐसे। दूसरा उसमें जो पहला और दूसरा है डोज, और उसका बूस्टर का जो है ना वो अलग तरीके का है कि हर साल में आप ले सकते हैं, उसके बाद 2 साल में ले सकते हैं, उसके बाद 3 साल में ले सकते हैं। जैसे वो अगर वो पेशेंट को मेनिंजाइटिस की लागण हुई होगी तो आप ये शेड्यूल भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी उसके बाद आता भी है इन्फ्लुएंजा। मैंने बोला इन्फ्लुएंजा क्या प्रिवेंट करता है, तो फ्लू प्रिवेंट करता है। छाती में अगर कफ होता है तो वो प्रिवेंट करता है। COPD भी प्रिवेंट करता है। इसके बाद आता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन ये भी अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस ये करता है। वो COPD करता है कम, निमोनिया कम करता है, और वो भी अच्छा है। और वो किस में देते हैं, तो अबाउट 65 ईयर्स के जो मेल है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो HIV में दे सकते हैं, डायबिटीज पेशेंट में दे सकते हैं। अगर वो हमेशा बीमार रहते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। तो उससे पहले इसमें भी पूछना चाहिए कि पहले आपने वैक्सीन लिया है क्या। और वो 2 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। एक PCV13 होता है, वो उसका पहला डोज लिया जाता है, और दूसरा सेकेंड डोज PPSV23 होता है, और वो 6 to 12 months के गैप में दिया जाता है। और एक कम से कम 2 इंजेक्शन एटलीस्ट अगर लेने के हैं तो उसमें कम से कम 8 वीक्स का गैप तो रहना ही चाहिए, तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। अभी न्यूमोकोकल मैंने बोला कि न्यूमोनिया प्रिवेंट करता है, तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। और जो बाकी का जो ये मैंने बोला कि टीटैनस टॉक्साइड, अभी टीटैनस टॉक्साइड तो हम तो TT का इंजेक्शन्स लेते ही है, लेकिन अपने जो समाज में वो TT के बारे में बहुत सारे गैर समझ जो बोलते हैं ना स्टिग्माज है। तो क्या है, हर एक महीने में अगर आपको इंजरी हुई तो आप भागते हैं, किधर भागते हैं, दवाखाने में जाते हैं और बोलते हैं नहीं मुझे इंजेक्शन दे दो। तो सुनिए, अभी अगर TT का जो है इंजेक्शन उसका भी शेड्यूल है। अगर आप आपको लगा कुछ जख्म हो गई तो वो दिन अगर आपने लिया इंजेक्शन, तो हर आगे के 3 महीने अगर आपने लिया इंजेक्शन तो आपको 5 साल प्रोटेक्शन मिलता है, और हर 5 साल में लेना होता है। और ये TT का इम्यूनाइजेशन में जो बच्चों का शेड्यूल है WHO लसीकरण जो बोलते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसमें DPT में जो डिप्टेरिया है, पर्टूसिस है, टीटैनस टॉक्साइड है, उसके भी डोज पेंटावेलेंट में दिए जाते हैं, और बाद में 5 साल का दिया जाता है, बाद में 10 साल में दिया जाता है, और 16 ईयर्स में भी वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में TT दिया जाता है। तो उसके बीच में अगर उनको इंजरी होगी तो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेशेंट और उनके जो रिलेटिव्स मीन्स माँ बाप होते हैं वो भुलक्कड़ होते हैं, तो बेस्ट हम क्या सोचते हैं कि इसको दिया तो अच्छा है, क्योंकि एक बार धनुर्वात हुआ टीटैनस तो उसका इलाज नहीं है, तो हम दे डालते हैं उनको। ये हुआ टीटी का। और वो टीटी का इम्यूनाइजेशन कब से स्टार्ट होता है, तो प्रेगनेंसी के जब औरत प्रेग्नेंट रहती है तो उसको 2 इंजेक्शन्स लगते हैं टीटैनस टॉक्साइड, वो उसके लिए भी उसका फ़ायदा होता है, और न्यूबॉर्न जो बच्चा पल रहा होता है उसके लिए भी उसका फ़ायदा होता है। तो ये टीटी का हुआ। उसके बाद दूसरे भी बहुत सारे हैं, मैंने अपने यार भी जो बोला है एंटी रेबीज वैक्सीन, उसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल में ये डाला है, वीडियो डाला है, अगर उसका शेड्यूल देखना चाहते हैं तो देखिए। और जो अभी एक नया भी आया है TB के ऊपर, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगी TB का, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अपने HIV पेशेंट में फर्स्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस
क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो वो टीबी कैसे कंट्रोल में लाए, इसके लिए वो अभी टीबी वैक्सीनेशन भी पायलट प्रोजेक्ट पे चालू है, राजस्थान में चालू है, तो देखेंगे और मैं एक उस पर एक पूरा वीडियो डालूंगी। तो व्यूअर्स आपको समझा कौन से वैक्सीन HIV पेशेंट में लेने चाहिए, तो आपके मन में आता है कि ये वैक्सीन सेफ है क्या, तो हाँ ये सेफ है। और ये इंट्रामस्कुलर्स माने मसल्स में दिए जाते हैं सब डोसेस, लेकिन एक याद रखिए क्योंकि जब भी वैक्सीन्स होते हैं वो लाइव वैक्सीन्स होते हैं और इनएक्टिव वैक्सीन्स होते हैं। अगर आपका वायरल लोड ज़्यादा है, अगर आपका CD4 काउंट बिलो 200 है, तो प्लीज़ लाइव वैक्सीन्स मत लीजिए। आप जहाँ से भी ट्रीटमेंट लेते हैं वो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और मेन मुझे बताने का था कि वैक्सीनेशंस और इम्यूनाइजेशन में क्या फ़र्क है। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, जब वैक्सीन शरीर में जाता है तो वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और वो एंटीबॉडीज तैयार करता है, और जो भी डिजीज के ऊपर हमने दिया है, सपोज मैंने हिपेटाइटिस बी के ऊपर दिया, तो हिपेटाइटिस बी का जो है वायरस, उसको हिपेटाइटिस बी के जो रोग है, मीन्स लीवर रोग है, लीवर के है, वो उसमें वो बैन करेगा, बैन मीन्स उसको मना करेगा, और उनकी इम्यूनिटी इतने बढ़ाएंगे इतना, तो उससे वायरस अगर शरीर में आए तो उस पर अटैक करेगा। ये हुआ वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन ये एक प्रोसेस है, उसमें इम्यूनिटी बढ़ती है वैक्सीन देने की वजह से। तो इन्फेक्शंस और डिजीज के लिए वो इम्यूनाइजेशन जो है उसमें अपने बॉडी को सेंसिटिव करते हैं, इम्यून करते हैं। बोलते हैं ना हम कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो मेरे शरीर में बहुत सारे रोगों के जंतु है और इससे मेरे एंटीबॉडीज तैयार हो गए हैं, इसलिए मुझे अभी ये होने के चांसेस कम हैं। तो ये आपको दोनों में से फर्क समझा होगा। तो अभी क्या है, जब हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीनेशन लेने के पहले लिया है क्या, और उसका एंटीबॉडीज का टेस्ट टाइटर करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं किया है तो देने के बाद एक महीने के बाद आपको उसका टाइटर देखना पड़ता है कि अगर आपने हिपेटाइटिस बी का लिया तो एक महीने के बाद आप टाइटर देखिए कि आपके शरीर में अगर टाइटर है तो आप निर्धारित हो जाइए कि नहीं मेरे बॉडी में वो इम्यून पावर आ गई है। तो पहले वो डिटेक्ट करने का होता है कि है क्या, और अगर नहीं होगा तो इंजेक्शन देते हैं। तो मैंने आज बहुत डिटेल में आपको समझाया है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये जानकारी सबको होनी चाहिए। और दूसरा एक बात बोलने को रह गई मेरे, अगर आप HIV है तो अपने HIV ERT को एडिरेंस रहिए, बराबर गोली खाइए। गोली खाएंगे तो आपका एडिरेंस अच्छा होगा, आपका CD4 काउंट अच्छा होगा, आपका वायरल लोड अच्छा होगा, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। धन्यवाद।